मैं अभी आईटीआर फाइल कर रहा हूँ एंड आईटीआर फाइल करते वक्त मैंने एक बहुत ही अच्छा अपडेट देखा इनकम टैक्स के पोर्टल पे। ये अपडेट आपको गलत आईटीआर फॉर्म चूज करने से रोक सकता है। अपडेट क्या है देखते हैं। आपको क्या करना है बेसिकली, जब आप फाइल करने जाएंगे तो आपको यहाँ पे असेसमेंट ईयर चूज करना है। ठीक है, यहाँ पे ऑनलाइन मोड सेलेक्ट कर लिया मैंने, कंटिन्यू किया। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे देखिए आईटीआर 4 सेलेक्ट करके फाइल करने जा रहे थे। ठीक है, अभी अगर हम फाइल करने जाएंगे ना तो हम यहाँ पे इंडिविजुअल सेलेक्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आ जाता है कि एज पर द इन्फॉर्मेशन अवेलेबल विद द डिपार्टमेंट एंड प्रीफिल्ड जेसोन यू हैव डिराइव्ड इनकम फ्रॉम विनिंग फ्रॉम लॉटरीज क्रॉसवर्ड पजल एंड रिसोर्सेज। तो आप आईटीआर 2 या फिर आईटीआर 3 ही भर सकते हो। मतलब अब आप अगर आईटीआर फॉर्म चूज करने जाओगे तो 1 आप भर नहीं पाओगे, 2 और 3 ही चूज कर सकते हो, आईटीआर 4 चूज ही नहीं कर सकते। क्योंकि बहुत लोग क्या करते थे कि विनिंग पे जो इनकम होता था उसको बिजनेस इनकम दिखा के 44AD में डाल के बेसिकली रिफंड ले लेते थे। तो अभी ना आप आईटीआर 4 चूज ही नहीं कर पाओगे, देखो आईटीआर 2 या फिर आईटीआर 3 ही भर सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छा अपडेट है, आपको फिर पता भी चलता है कि आप कौन सा आईटीआर चूज कर सकते हो। तो आई होप आपको भी ये अपडेट अच्छा लगा होगा। आपको कैसा अपडेट लगा, ये अच्छा लगा या नहीं लगा, मुझे प्लीज कमेंट करके बताइए। ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और ऐसे ही अपडेट्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।